हाय एवरीवन, मैं रेसिपी लेके आई हूँ ब्रेड से बनने वाले गुलाब जामुन की। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस रेसिपी को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ब्रेड से बने हुए गुलाब जामुन। तो ब्रेड के मैंने कॉर्नर जो है इसको भी मैंने कट कर लिया है। अब इसको मिक्सर में मैं इसे ग्राइंड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको ऐसे भी मैश कर सकते हैं। बस यहाँ पे मिक्सर में करेंगे तो गुलाब जामुन जो है बहुत सॉफ्ट बन जाएंगे और ईजिली आपके गुलाब जामुन बन के रेडी हो जाएंगे। इसको प्लेट में निकाले, यहाँ पर मैंने एक चम्मच देसी घी ऐड किया है, 4 चम्मच मैंने मिल्क ऐड किया है। इसका डो बना लिया है। डो बनाने के बाद 5 मिनट के जरूर रेस्ट करने के लिए रखें। उसके बाद यह गोल और लंबे शेप में मैंने गुलाब जामुन बना के रेडी कर लिए। चाशनी में चीनी ऐड की है और 5 मिनट के लिए इसे पकने दिया है। इलायची डाल दी है और इसे बंद कर दिया है। अब यहाँ पे जो गुलाब जामुन है इनको मीडियम आंच पे दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेना है। एक तेज आंच में नहीं करना है क्योंकि कच्चे रह सकते हैं, तो मीडियम आंच पे इन्हें फ्राई करना है। तो देखिए बनकर रेडी हो गए हैं, फ्राई हो गए हैं। और बस इसको निकाल लेना है और चाशनी जो है हल्की गुनगुनी रखनी है। ऐसा नहीं करना है कि चाशनी भी गर्म है और गुलाब जामुन भी आपने फ्राई किए निकाले इसमें ऐड किया, तो चाशनी हल्की गुनगुनी रखनी है और बस इसमें ऐड करना है। 2 घंटे के लिए ज़रूर इसे रेस्ट करने दीजिए। उसके बाद सॉफ्ट गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो है ना, बिल्कुल मार्केट के जैसे लग रहे हैं ना गुलाब जामुन। तो इसी तरीके से आप भी बनाए, रेसिपी अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिए फ्रेंड्स।